चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम लोग का सीडीपी का सेशन चल रहा था, और सीडीपी के सेशन में आप हमेशा से याद रखेंगे कि दो क्लासेस जाएंगी, एक मॉर्निंग में रहेगा थ्योरी क्लास और एक इवनिंग में अब रेगुलर आप लोग की रहेगी एमसीक्यू क्लास। तो जितने भी लोग ऑनलाइन वाले भी हैं, ठीक है, तो वो लोग एमसीक्यू क्लास को कंपलसरी अटेंड करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यू वहाँ पर कंटिन्यू होगा। कल नहीं ले पाए थे क्योंकि कल दिन भर में बहुत ज़्यादा क्लासेस हो गई थी, तो आज से रहेगा मगर शाम को, ठीक। हाँ देखो, तुम लोग के बीच में बोल दिया था ना, बोला तो आज भी हो, ठीक है, होता है। तो चलिए जुड़ते जाइए सभी लोग। तो सीडीपी में हम कुछ बेसिक चीजों को अभी थ्योरिटिकली कवर करेंगे। जिस जिस टॉपिक पे थ्योरी होते जाएगा, उस टॉपिक पे हम लोग एमसीक्यू भी लगाते हुए चलते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज जो हमारा मेन एमसीक्यू रहेगा, सॉरी थ्योरी रहेगा, वो नया चैप्टर है। मतलब आप इसको वृद्धि एवं विकास आप लोग पढ़ चुके हो, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास को सरसरी नजरों से देख चुके हो ऊपरी ऊपरी तौर पे। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, और रिजल्ट का लिंक आज ओपन हो जाएगा। और व्यापम में क्या है, वेबसाइट में बड़ा दिक्कत रहता है। अभी पेपर था ना हॉस्टल वार्डन का, लास्ट के 3 दिन तक एडमिट कार्ड निकले ही नहीं। तो ऐसा हुआ कि कुछ बच्चों का मेंटेलिटी रहता है आखिरी में ही एडमिट कार्ड निकालने का। जिस दिन पेपर रहता है उस दिन भी एडमिट कार्ड बहुत से लोग निकालते हैं, पर 3 दिनों तक एडमिट कार्ड नहीं निकला, हजारों लोग का पेपर छूट गया। इसमें व्यापम की गलती है, ठीक है, इतना बड़ा राज्य है और इस टाइप की चीजें रहती हैं। लोकेश कुमार जी, क्लास का टाइमिंग अभी थोड़ा चेंज हुआ है, सुबह 8 बजे से रहता है। पहले जो 7 बजे से चल रहा था ना, अब वो 8 बजे से है, ठीक है। और सुबह का टाइम आपको पढ़ाई करना है, आप ऐसी दलील देंगे सुबह काम करना रहता है, तो फिर वो हम थोड़े भी कंसिडर करेंगे कप्तान। चलिए, वंशानुक्रम एवं वातावरण को थोड़ा पढ़ा जाए, तो वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी और इसके अंदर की चीजों को जानेंगे। अलग अलग मनोवैज्ञानिक या जीव वैज्ञानिक आएंगे, उनके क्या क्या सिद्धांत रहे, उन सारी चीजों को समझेंगे। तो माता पिता तथा पूर्वजों से विरासत में प्राप्त गुण, जैसे शारीरिक, मानसिक, व्यवहारात्मक गुण को सामूहिक रूप से हम लोग क्या नाम देते हैं, वंशानुक्रम नाम देते हैं। जीव विज्ञान के अनुसार निषेचित अंडे से उपस्थित समस्त संभाव्य गुणों के योग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वंशानुक्रम। अब निषेचित अंडा मतलब ये बोल सकते हैं जायगोट, ठीक है। जैसे आप लोग को पता है कि कभी भी जो नई संतति बनने की जो प्रक्रम होता है, इस चैप्टर में आप लोग को बड़े सारे बायोलॉजिकल टर्म्स देखने मिलेंगे। तो नई संतति जब भी निर्मित होती है, तो वो छोटा सा आपका युग्मज बनता है, फिर बाद में वो भ्रूण बनता है, भ्रूण से फिर एक बालक बालिका का उत्पत्ति होता है, ठीक है। तो उसमें जो भी उसके माता पिता के जितने भी संभव गुण है, वो सारे के सारे देखने मिलते हैं, ठीक है। वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम और वातावरण के बीच में रिलेशन बताने वाले सबसे महत्वपूर्ण जो मनोवैज्ञानिक थे, वो कौन थे, वुडवर्थ। इसने एक लाइन में बात को खत्म कर दी कि भैया जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट हमेशा वातावरण पर भी निर्भर करेगा और वंशानुक्रम पर भी निर्भर करेगा, और ये वास्तव में उन दोनों का क्या होगा, गुणनफल के बराबर होगा। कई बार अलग अलग एग्जाम में ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये किसका कथन है कि वंशानुक्रम वातावरण का गुणनफल विकास है, तो भी ये कथन है वुडवर्थ का। और कई बार ऐसा भी सवाल आता है कि वंशानुक्रम को हम लोग एक और नाम से जानेंगे, प्रकृति। तो प्रकृति और वातावरण का नाम है पोषण, तो प्रकृति और पोषण का गुणनफल क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। पोषण लिख दिया मैंने, पोषण लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही क्या है, वंशानुक्रम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, वंशानुक्रम की क्रिया विधि में तो पुरुष के वीर्य जब मादा के गर्भाशय में स्थित अंडे को मतलब ओवम के साथ संसर्ग स्थापित करता है, तो निषेचित करते हैं, तो यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। और इसके बाद शुक्रकोश और अंडकोश संयोग करके एक संयुक्त कोश का निर्माण करते हैं, जिसे संयुक्त कोश क्या बोलेंगे, जायगोट।
इसके साथ ही बच्चे के अस्तित्व प्रकाश में आता है तथा भ्रूण रूप में उसका विकास होने लग जाता है। तो जब तक भ्रूण नहीं बना है, ठीक है, तो तब तक ऐसा माना जाता है कि उसमें जीवन नहीं पाया जाता है। अगर माता के गर्भ में भ्रूण बनता है, और कुछ लोग पहले होता था ना, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, आप लोगों ने एक सामाजिक कुरीति का नाम सुना होगा, इसलिए वो जो 90s के टाइम के जो बालक है, ठीक है, वो आज के डेट में बहुत दुखी है। कारण क्या हुआ, क्योंकि 1990 से लेकर 1995 तक भारत में कन्या भ्रूण हत्या बहुत लार्ज स्केल पे की गई, मतलब उससे पहले भी था। एक तो भैया मेल फीमेल रेशियो हमेशा डिस्टर्ब रहा है, ठीक है, और बहुत से राज्यों में ऐसा था कि इसलिए 1995 के बाद केंद्र सरकार आके बहुत से कानून पास की, जिसमें ये माना गया कि भैया जब तक माता के गर्भ में संतान है तो आप उसकी चेकिंग नहीं करा सकते। पहले तो टेक्नोलॉजी आई थी नहीं, तो लोग पता कर लेते थे। और जो पुराने पिछड़े क्षेत्र हैं, या आप देखेंगे हरियाणा और राजस्थान में काफी लार्ज स्केल पे हुआ ये, कई सारे सीरियल्स उसके ऊपर आती थी। एक नाम सुना होगा, बालिका वधू, तो उसमें ये चीज पे एकदम दिखाया गया था कि किस स्तर पे बालिकाएं पैदा होती थी और उनकी हत्या कर दी जाती थी, ऊपर से पहाड़ वहाड़ से फेंक देते थे, ऐसा था। बहुत सारी कुरीतियां थी, तो उसका प्रभाव आज के डेट में पड़ रहा है। आज 19 के टाइम के जितने लड़के हैं उनको ब्याह करने के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं, ये फैक्ट है, ठीक है। सामाजिक अगर आप देखोगे ना, तो बहुत ज्यादा फैक्ट है, और किसी किसी जाति वर्ग में ज्यादा हुआ है। और जब अरेंज मैरिज होता है तो फिर उस कम्युनिटी के ही मेंबर को ढूंढा जाता है। अब लड़के और लड़कियों में असाधारण रूप से अब 5-7 साल का डिफरेंस हो जाता है, तो फिर ये डिफरेंस अब इतना बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि देखो जो 95 के बाद पैदा हुए हैं ना, उनकी बढ़िया ब्याह हो जा रही है, क्योंकि उस टाइम अवेयरनेस आ गई थी। पर जो 90 से लेके 95-97 के बीच में जो लोग जन्म लिए हैं, उनको अभी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए शादी .com बन रहा है, तो ये बन रहा है, तो वो बन रहा है, और लोग मजबूर हैं, क्या करेंगे, ठीक है। ये एक्चुअल में ये मैं चर्चा कर रहा था तो मेरे मामा जी इस चीज को बताए थे, अच्छा दिमाग है उनका, बोले कि एक्चुअल में दिक्कत यहाँ हो गई है, और ये इतना लार्ज स्केल पर डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब 7 साल का डिफरेंस रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी लड़की थोड़ा भी हाँ बोलेगी, 1-2 साल चल जाता है जी, ठीक है, 7 साल, 8 साल, 10 साल का डिफरेंस है तो वो कंसिडरेबल नहीं है। तो बेचारे इस जमाने के जो बालक बालिकाएं हैं, बालक ज्यादा, क्योंकि उनको कोई नहीं मार रहा था, तो वो अलगाववाद के शिकार है, ठीक है। चलिए, इसलिए मेरे कॉलेज के जितने भी साथ में पढ़े हुए लोग हैं, वो सब लोग डालते रहते हैं, देखना रे हमारे जूनियर का शादी हो गया, हमारा कब होगा। मैं बोला क्या दिक्कत है तुम लोग को, ध्यान दीजिए। तो पुरुष और जो स्त्री होती हैं, उनके मतलब शुक्राणु और अंडाणु आपस में निषेचन करके क्या बनाएंगे, जायगोट। जायगोट है तो कोई तब तक दिक्कत नहीं, उसमें जान नहीं है, पर जब वो भ्रूण का रूप ले लेता है, तो भ्रूण हत्या करना या भ्रूण को नुकसान पहुंचाना किसी एक आदमी के वध करने के बराबर क्या है, पाप के बराबर है, अपराध है, और इसके लिए आपको कानूनी कार्यवाही भी होती है, ठीक है। चलिए, तो संयुक्त कोश जायगोट क्या है, तो भैया यह गाढ़े तरल रंग का साइटोप्लाज्म का बना होता है, कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरी होती है सबको पता है साइटोप्लाज्म है, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स, चाहे वो राइबोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, जितने भी हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में भी बायोलॉजी मैम ने आपको पढ़ाया होगा, सभी के सभी इस लिक्विड के अंदर ही क्या रहते हैं, सबमर्ज रहते हैं, डूबे रहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस, जिसमें क्या रहते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स उपस्थित रहते हैं, और ये क्रोमोसोम ही क्या है, जेनेटिक कैरियर है, मतलब कि आपके गुणों के वाहक है, जो एक संतति या एक पीढ़ी के लक्षण को दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। चलिए क्रोमोसोम के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रत्येक कोशिका के नाभिक में डोरी के समान संरचना पाई जाती है, जिसे गुणसूत्र कहते हैं, ये सदैव जोड़ों में पाए जाते हैं, और एक संयुक्त कोश में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होंगे, 23, मतलब टोटल 46, टोटल नंबर कितना आएगा, 23 जोड़े मतलब 46 गुणसूत्र, तो 46 में से 23 मदर की ओर से आते हैं और 23 फादर की ओर से आता है, और इस तरीके से एक नई संतति का निर्माण होता है। बाकी अभी आप लोगों ने रिसेंटली सेल डिवीजन पढ़ा कि भैया 3-4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना।
चलिए, प्रत्येक गुणसूत्र में सबसे छोटे छोटे एक्चुअल में कीटाणु लिख दिया है, कीटाणु नहीं है वो, उसके जीन्स मान के चलते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन्स। कीटाणुओं को उसने क्या नाम दे दिया, जीन्स। और यही जीन्स क्या है, जिसमें सारे इंफॉर्मेशन हमारे स्टोर्ड रहते हैं, तो मेमोरी यूनिट है, ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या करेगी, लक्षणों का स्थानांतरण करेगी, ठीक है। हाँ किरण पटेल जी सही बोल रही हैं आप। एनएल मन के अनुसार हमारी असंख्य परंपरागत विशेषताएं इन 46 गुणसूत्रों में उपस्थित रहती हैं, और गुणसूत्रों में छिपे अनुवांशिक कृमीय कीटाणुओं मतलब जीन्स, कीटाणुओं को जीन्स कहते हैं, जो वंशानुक्रम के क्या है, निर्धारक है। मतलब स्त्री या पुरुष या बालक या बालिका का जन्म लेना भी इन जेनेटिक कैरियर्स पे डिपेंड करेगा। अगर सारे के सारे होमो आ गए, मतलब एक्स एक्स टाइप के सारे क्रोमोसोम्स आ गए, 46 के 46, तो आप सबको पता है कि भैया वो क्या हो जाएगी, फीमेल, एक बालिका का जन्म होगा। और अगर 22 हमारे क्या रहते हैं, एक्स रहते हैं, और एक क्रोमोसोम्स क्या रहता है, वाई, तो यहाँ पर ये हेट्रोसेक्सुअल हो गया, तो फिर ये क्या हो जाता है, हमारा मेल, ठीक है। चलिए, तो ये आपको बहुत पहले से पता भी है कि सारे गुणसूत्र अगर एक समान हो जाएं तो क्या हो जाता है, फीमेल का या एक गर्ल चाइल्ड का जन्म होता है, और अगर एक्स और वाई क्रोमोसोम का इंटरेक्शन होता है तब फिर एक बॉय चाइल्ड का जन्म होता है। अभी जो मौजूदा हालात हैं पूरे वैश्विक स्तर पे अगर देखा जाए, तो तीन चार चीजों में बड़ा ड्रास्मेटिक चेंज आ रहा है कि अभी जो वाई क्रोमोसोम्स है ना, इनकी इंटेंसिटी काफी रिड्यूस होते जाती है या कम हो रही है वर्तमान स्थिति में भी, और वैज्ञानिक लोग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। दैट्स वाई उन्होंने कृत्रिम विधि से भी संतान उत्पत्ति के अलग अलग नए नए तरीके बनाए। आपने नाम सुना होगा सरोगेसी मदर का, तो सरोगेसी मदर में क्या रहता है कि भैया वो एक्चुअल में देखा जाए तो प्राकृतिक ही जन्म है, ठीक है, मतलब किसी एक माता जो जन्म नहीं दे पाती है तो पिता के जो भी जेनेटिक कैरियर से उसे किसी दूसरे के गर्भ में रखा जाता है और नई संतति का जन्म होता है। इसके अतिरिक्त लेबोरेटरी के अंदर भी बनते हैं, जैसे हम टेस्ट ट्यूब बेबीज बोलते हैं, ये भी संभव है, और काफी फला फूला इंडस्ट्री है ये, ठीक है। अभी वैज्ञानिकों को इस बात की चिंता बहुत ज्यादा सता रही है, बिकॉज वाई क्रोमोसोम की जो डाइल्यूशन है या जो इंटेंसिटी है वो लगातार घटते जा रही है, और आने वाले कुछ समय बाद इस सृष्टि से संभवता है कि पुरुष वर्ग पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा, ये संभावनाएं हैं, ठीक है। आप किसी भी जानवर में भी देखिए ना, तो वहां पर फीमेल स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा है, मेल स्ट्रेंथ कम होते जा रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ी अभी इस पे शोध चल रही है कि आज से कुछ 100 कुछ हजार साल बाद केवल और केवल क्या रह जाएंगी, महिलाएं रह जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके की अब चीजें डेवलप की जाती है, जैसे पेड़ों में होता है, पेड़ को किसी निषेचन की जरूरत है क्या, नहीं, उनका शरीर स्वयं से निषेचन करके नई संतति को उत्पन्न करने में क्या है, सक्षम है। तो अब टेक्नोलॉजी उधर जा रही है कि केवल महिलाएं भी अगर रह जाए तो भी हम लोग कैसे चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो बड़ा दिमाग लगा रहे वैज्ञानिक लोग। देख लो भैया, लड़के लोग तुम लोग बहुत दुर्लभ हो, गायब होने वाले हो तुम लोग, ठीक है। चलिए, तो पुरुष की जब हम लोग दुर्लभ होकर गायब हो जाएंगे ना, तब लोगों को याद आएंगे कि हम भी एक प्रजाति थे जिसे कोई स्नेह और प्यार नहीं करता था, है ना, ये सोचते रहते हैं दिन भर बैठ के पंखा देखते रहेंगे, दोस्त को भी फोन लगाएंगे तो वो भी गाली गलौज करेगा। चलिए आइए, पुरुष के 23वें जोड़ी एक वंश सूत्र और लंबा छड़ी नुमा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, एक्स गुणसूत्र। तो एक्स के बारे में पता चल गया कि सर ये लंबा और स्टिक के टाइप होता है, मतलब पतला लंबा टाइप का रहेगा, जबकि दूसरा वंश सूत्र जिस जो क्या रहेगा, छोटा रहेगा और गोल रहेगा, और ये कौन सा क्रोमोजोम है, वाई क्रोमोजोम। तो एक्स के बारे में आप लोग समझ गए कि सर लॉन्ग एंड स्ट्रेट, लॉन्ग एंड स्ट्रेट, और वाई क्रोमोसोम क्या रहेगा, स्मॉल या शॉर्ट एंड स्पेरिकल या राउंड शेप। ओके, ये सवाल पूछ सकता है क्योंकि कितनी भी गहराई में जा सकता है भाई, ठीक है। वंश सूत्रों की इन्हीं विषमताओं के कारण पुरुष को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोगेमेटिक, क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग है ना, हेट्रो मतलब विषम, अलग अलग, और होमो मतलब सेम, जैसे हम सभी के सभी क्या है, होमोसेपियंस है,
बिकॉज हम सब लगभग एक जैसे दिखते हैं, सबके पास दो आंखें हैं, एक नाक है, दो कान है, एक मुंह है जो ज्यादा बोलता है, और एक दो हाथ है, दो पैर है, यही है ना। किसी के तीन आंख है क्या? आ जाओ फिर भगवान शिव की तरह लोग पूजा करने लगेंगे त्रिनेत्र बोल के। ठीक है, चलिए। मनीष कुमार बोल रहे हैं, सर मेरा सीजी टेट वर्ग 2 क्वालिफाई हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने अपने तीन दोस्तों से आपका कोर्स ज्वाइन करके सॉरी करके निकाले हैं मेरे तीन दोस्त। बिल्कुल, अगले तीन लोग को बताना है। अच्छा, ये ऐसे ही फैलेगी ना, सलमान खान को याद करो, जय हो। अब ये बात अगले तीन लोग तक पहुंच लीजिए। चलिए नेक्स्ट है। स्त्री के 23वें जोड़ी के वंश सूत्र समजात होते हैं, मतलब एक्स एक्स क्रोमोसोम रहेंगे, इसलिए ये लोग क्या है? होमोगैमेटिक। होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब अलग अलग। उसे भी 22 जोड़े सेम ही रहते हैं ना, एक ही जोड़ा अलग होता है। ओके, तो वंश सूत्रों के इन्हीं समानताओं के कारण स्त्री को समयुग्मकी मतलब होमोगैमेटिक का नाम देते हैं। अब ये जो आप लोग को पता है क्रॉसिंग होती है, फीमेल मतलब मदर का एक्स एक्स और फादर से एक्स वाई, तो इनके एक्स का एक क्रोमोसोम दो भागों में तोड़ दिया एक्स एक्स, और यहाँ से भी एक्स वाई। अगर ये वाला एक्स इधर से एक और एक्स आया, दोनों आपस में इंटरेक्शन करके क्या बनाया? एक्स एक्स। सिमिलरली ये एक्स और इधर से वाई आया तो क्या बन गया? एक्स वाई। फिर ये एक्स और इधर से एक्स मिलके क्या बन गया? एक्स एक्स और ये एक्स वाई। तो आप इतना समझ पा रहे हैं कि ज्यादातर जो केसेस होती हैं इसमें तो सबको बराबर बराबर दिखाया है। दो स्थितियां ऐसी बनाया है जिसमें बालक बन रहे हैं, दो स्थितियां ऐसी बनाया है जिसमें बालिकाएं बन रही हैं। परंतु अभी सामाजिक रूप से जो देखा जाए, मतलब अभी रिसेंट जो अभी का प्रेजेंट सिनेरियो है, तो बालिकाओं की जो पैदा होने की स्थिति है उसकी प्रायिकता ज्यादा है। ठीक है, मतलब इसलिए कहा जाता है ना कि आने वाला जो हमारा विश्व है वो बालिकाओं का दुनिया रहेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग आगे भी आ रहे हैं, बेहतर भी कर रहे हैं। पुरुष सत्तात्मक जो सत्ता थी अब वो गायब हो रही है। वंशानुक्रम की विशेषताएं क्या क्या है? ठीक है, तो चलिए कुछ कुछ इसको चार्ट से समझते हैं। तो वंशानुक्रम की विशेषताओं में पहला तो सर असामान्य विशेषताएं हैं, जिसमें शारीरिक विशेषताएं और दूसरा मानसिक विशेषताएं, मतलब हमारा मेंटल स्टेटस क्या हमारे जेनेटिक पे या हमारे वंशानुक्रम पे निर्भर करता है? तो हाँ करता है। ठीक है, करता है। इसीलिए तो आज के डेट में, क्योंकि बुद्धि, वैज्ञानिकता, मितव्ययता, स्वभाव, ये सब कहाँ से आता है? जेनेटिक से आता है। किससे आता है? वंशानुक्रम से आता है। ठीक है, माता पिता कंजूस रहेंगे तो बेटा एकदम से विलासी नहीं पैदा होता है। फैक्ट है, जैसे हमारे माता पिता रहते हैं वो चंचल स्वभाव के हैं, तो पुत्र या पुत्री में भी वो गुण आते हैं। गंभीर स्वभाव के हैं तो बालक बालिका भी गंभीर स्वभाव में रहता है। ठीक है, और स्वभाव ऐसा है कि वो नहीं परिवर्तित होता, वो जैसा है वैसा रहता है। ठीक है, बुद्धि, वैज्ञानिकता, मितव्ययता और स्वभाव, ये सब क्या है? वंशानुक्रम पर आधारित है। इसीलिए तो आज के डेट में आप लोगों ने देखा एक ट्रेंड चल गया है, जितने आईएएस लोग रहते हैं वो शादी भी आईएएस के साथ करते हैं। मतलब एक वो है ना, क्योंकि दोनों आईएएस बने हैं, दैट मींस कि उच्च मानसिकता वाले लोग हैं, है ना, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले या सबसे अच्छी बुद्धि है, तब तो वो वहां तक पहुंचे हैं। तो आज के डेट में सारे आईएएस आईएएस के साथ, सारे डॉक्टर डॉक्टर के साथ ब्याह कर रहे कि आने वाला संतान भी डॉक्टर बने, आने वाला संतान भी आईएएस बने, और ये फैक्ट भी हो रहा है। जितने भी लोग आज के डेट में आईएएस आईपीएस चुने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उनके घर में कोई ना कोई माता पिता इस लेवल पे हैं। तो भिलाई से जितने भी लोग बने हैं अच्छे रैंक पे, जैसे सिमी करण थी, तो सिमी करण के मदर फादर दोनों के दोनों बेस्ट फ्रेंड बहुत अच्छे अच्छे डिजिग्नेशन पे थे। दैट्स व्हाई शी गॉट यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 13, यही सेक्टर 7 भिलाई की लड़की। ठीक है, पापा आईआईटी से थे तो लड़की भी आईआईटी गई। ठीक है, चलिए शारीरिक विशेषताएं, ये क्या है? बौनापन। दूसरा लघु अंगुता मतलब उंगलियों का छोटा होना। ठीक है, या युक्ता लुंगिता आदि, ये सारे के सारे क्या है? शारीरिक विशेषता है, मतलब माता पिता अगर दोनों का ही आकार में छोटे हैं तो बालक अमिताभ बच्चन तो कतई नहीं आने वाला। ठीक है,
तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे माता पिता की कदकाठी है, बालक या बालिका पे भी उसका असर पड़ता है। इनफैक्ट दांतों की संरचना भी हमारे माता पिता से रिलेटेड होती है। एक बार मतलब मैं टेम्पो में था तो मैं देखा कि माता जी के दांत आगे पीछे हैं, और जैसा पैटर्न उनके माता जी के दांत का था, बच्चे का भी डिक्टो वही था। तो मैं बड़ा क्यूरियस होकर मैं बोल रहा हूँ, दोनों कहीं करो अलग वैज्ञानिक घूम रहा था मैं पर ऐसा था कि वो दोनों अच्छे थे। क्या देखना है आपको, तो मसूड़े देखने मजाक करूं, ऐसा कुछ नहीं किया था मैं। चलिए, असामान्य विशेषताएं, अब नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो तो आपकी सामान्य विशेषताओं में था। तो वंशानुक्रम विशेषताओं के इस खंड के अंतर उन सामान्य असामान्य विशेषताएं या लक्षणों और रोगों को रखा जाता है जो व्यक्तियों से को परंपरागत मिलते हैं। ठीक है, कुछ असामान्य वंशानुक्रम विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है, परंपरागत रूप से जो मिलती हैं, तो कौन कौन सी हैं? तो भैया इसमें आप लोग जो हमारे असामान्य विशेषता है उसमें आप लोग अनुवांशिक विशेषताओं को देखोगे, और अनुवांशिक विशेषताओं में दो नाम सबसे ज्यादा आता है, सॉरी एक नाम सबसे ज्यादा आता है, किसका? मेंडल का, जॉन ग्रेगर मेंडल। इसको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं ना। तो हालांकि इनके नियम में भी बहुत सी चीजें हैं। आप इस सेम फील्ड वाले शादी कर रहे हैं, टीचर लोग से शादी कर ले रहे हैं। हालांकि माता पिता अगर दोनों शिक्षक है ना, तो वो जोड़ा सबसे बेहतर जोड़ा माना जाता है, ठीक है, बिकॉज जो टीचर है वो डिसिप्लिन्ड है। ऑफिसर रैंक में डिसिप्लिन उतना नहीं रहता, ठीक है। अब कलेक्टर को आज नहीं मन किया, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, वो बस आदेश फरमान जारी कर देगा, भाई मेरा छुट्टी है। टीचर ये काम सामान्य रूप से नहीं करता है, ठीक है, हालांकि ऐसा कोई भी नहीं करता, पर जैसे ये देखा गया है सामाजिक सर्वे के अनुसार, सबसे हमारी असली पूंजी क्या है? हमारी आने वाली पीढ़ी। आप कितना भी कमा के चले जाओ, आपकी आने वाली पीढ़ी अगर योग्य नहीं रहेगी, तो भी आप 1,000 करोड़ भी बना के जाओगे, वो एक साल में बर्बाद कर देगी, ठीक है। आप देख लीजिए अनिल अंबानी वर्सेस मुकेश अंबानी, जायदाद बटा तो आधा ही आधा मिला ना जी। एक भाई योग्य था, वो एशिया का दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में आता है, और एक भाई उतना ज्यादा अवेयर नहीं था, जबकि बड़ा भाई था अनिल अंबानी, वो दिवालिया हो चुके हैं, वो तो कभी भी जेल जा सकते हो, तो बीच में मुकेश अंबानी खड़ा है। फैक्ट है ना, बार बार अपने भाई के कई कई 1,000 करोड़ का कर्जा वो भर रहे होते हैं, तो जायदाद तो बराबर मिली थी, इनफैक्ट बड़े भाई को ज्यादा मिली थी। तो वही बात होता है, पूत सपूत तका धन संचय, पूत कपूत तका धन संचय। तो हमारी असली पूंजी एक्चुअल में पैसे कमाने नहीं है, ये आप लोग याद रखना, क्योंकि अभी की जो पीढ़ी है, अभी महंगाई बढ़ गई है, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते एक अच्छी चीज पे बात हो रही है। तो अभी आज की डेट में हमारा विचार ये रहता है ना कि दोनों साथ ही कमाएं। आज की डेट में एक अकेले के कमाने से, जैसे पहले के होता था ना कि पापा अकेले घर पूरा चला रहे हैं, तब चल भी जाता था, अब सब महंगा है, ठीक है। तो 5 लोगों या 7 लोगों की जिम्मेदारी अगर रहेगी, तो एक अकेले इंजन से काम नहीं चलेगा, डबल इंजन की सरकार चाहिए। तो इसलिए शादी करते समय लोग देखते हैं कि हाँ दोनों जोड़ा क्या रहे, नौकरी रहे या कुछ भी अपना धन उपार्जन का साधन रहे। अब उस चक्कर में ऐसा हो जा रहा है, ये नया ट्रेंड आया कि लोग धन उपार्जन के लिए ही चले जा रहे हैं, बच्चों पे कम ध्यान दे पा रहे हैं, और अल्टीमेट वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि जो वो कमा रहे हैं वो असल कमाई नहीं है, असल कमाई आपकी संतान है, ठीक है। क्योंकि जब वही अच्छा नहीं रहेगा तो आपके इतना कमाने का कोई मतलब निकलेगा क्या? इतना बड़ा आप नाम सुन सकते हो, मैं अंबानी का नाम ले रहा हूं, जिनका नाम आप जान रहे हो कि भारत में सबसे बोल्ड साउंड करता है, अंबानी नहीं संभाल पाए उसको, मुकेश अंबानी संभाला, अनिल अंबानी नहीं संभाला। तो इसका अर्थ यही है कि भैया आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए अवेयर रहना, ठीक है, खाली कमा रहे हैं जोड़ रहे हैं तोड़ रहे हैं ऐसा मत करना जीवन, ठीक है। क्या बहुत सारे लोगों के बच्चे होंगे भी छोटे छोटे, तो आप इस चीज को अपने जीवन में लाना कि असल कमाई वो है ना कि धन, ठीक है। और मैंने ये बोला कि सारे जोड़ों में सबसे बेहतर जोड़ा किसका है? शिक्षक का या प्रोफेसर्स का, मतलब एजुकेशन लाइन वालों का, क्योंकि इनकी ड्यूटी फिक्स है, छुट्टियां मिलनी है। अरे 45 दिन तो आप लोग को कोई सर्विस ऐसा नहीं होगा जो ये सुख दे पाए कि 45 दिन छुट्टी और हम सैलरी भी देंगे, ऐसा कोई सर्विस है नहीं है, ठीक है। पुलिस वाले आर्मी वाले इस मामले में सबसे पीछे रह जाते हैं,
कई कई साल में तो एक या दो बार बच्चों का मुंह देख पाते हैं बेचारे। तो दैट्स व्हाई टीचर बनना मुझे लगता है सबसे बेहतर प्रोफेशन है। एजुकेशन लाइन में आना, लोडिंग नहीं है, 10 से 4 का काम है, आप आराम से आइए, घर में आप कभी अपना लोड लेके नहीं आते हो भाई। आप कलेक्टर के रैंक पे क्यों ना रहो, आपको रात 2 बजे भी लोड आ सकता है। रात को 2 बजे कहीं दंगा छिड़ गया तो आपको तो जाना पड़ेगा ना। टीचर बेचारा निश्चिंत है, तो वो अपने बच्चों को ज्यादा अच्छी परवरिश देते हैं, और टीचर्स डिसिप्लिन्ड होते हैं। आप देख लेंगे, जैसे मैंने अपने आसपास में भी देखा है, वो पेरेंट जिनके एक पेरेंट टीचर है या दोनों टीचर हैं, उनके बच्चों ने जितने भी बच्चे रहे होंगे एक्सलेंट किया है सर, एक्सलेंट किया है। ठीक है, चलिए। तो मेंडली विकार में एक आता है सर होमोफिलिया, इसका वर्णन किसने किया? हेल्डन ने। फिर वर्णांधता, ये क्या है? जेनेटिक बीमारियां है, मतलब जो माता पिता से अगली संतति को मिलता है। तो जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है वर्णांधता होती है, जिसका सॉरी कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस तो रतौंधी होता है, तो जो कलर ब्लाइंडनेस है ना जेनेटिक है। अगर आपके पेरेंट में है तो आपको भी वो पैतृक रूप से धरोहर में मिलेगा। ठीक है, तो इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी जी? हॉर्नर ने की थी। किसने की थी? हॉर्नर ने। फिर फिनाइल डिफेक्ट है, थैलीसीमिया डिफेक्ट है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस है। एक और बीमारी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया, या इसी को हम लोग सिकलिन बोलते हैं। ठीक है, और सिकलिन एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी आप लोग को पता है सिकल सेल डे भी मनाया गया राज्य शासन की ओर से, और काफी संकट की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि पहले की तुलना में समय के साथ इस बीमारी को घटना चाहिए तो ये बढ़ गई है, लार्ज स्केल पे बढ़ गई है। और छत्तीसगढ़ में ये बीमारी काफी मतलब ज्यादा साउंड करती है। ठीक है, वो एक टाइप की एनीमिया है और वो जेनेटिक है, और उसमें ऐसा है ना जी कि ऐसा नहीं है कि आप माता पिता को सिकल सेल नहीं है तो बच्चे को नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपकी पीढ़ी में आपके दादा उन दादा दादी को भी ना हो, नाना नानी को भी ना हो, पर दादा पर दादी को भी रहा होगा, तो उसका एक भाई वो तो पीढ़ी ऐसे ही चल रही है ना लगातार। हमारे अंदर जो गुण है वो 1/2 के फैक्टर में बढ़ते हैं, मतलब माता पिता से कितने आ गए? आधे आधे। दादा दादी से 1/4, 1/4। नाना नानी से भी 1/4, 1/4। ऊपर और जाओगे परदादा परदादी में तो 1/8, छर दादा छर दादी में जाओगे तो 1/16। तो एक ना एक प्रॉपर्टी रहता ही है, और इसीलिए सब लोग ना अपने बायोलॉजिकल बच्चों को चाहते हैं। ठीक है, एडॉप्टेड चाइल्ड का ट्रेंड हिंदुस्तान में बहुत कम है, जिनकी संतान नहीं है ना, तो लोग कोशिश करते हैं कि यार हम सरोगेसी चाइल्ड बना लें या हम टेस्ट ट्यूब चाइल्ड बना लें, पर वो हमारा रहे। कारण क्या है? क्योंकि ना आप खुद अपने कई पीढ़ियों के एक कैरियर हो, वाहक हो। ठीक है, आपकी पीढ़ी में हो सकता है कोई वीर बहादुर राणा सांगा पैदा हुआ हो। ठीक है, तो ये एक इच्छा रहती है कि यार उस टाइम का जो उनका जो मेंटली इंटेलिजेंट लोग हो या साहसी हो या कुल का नाम रोशन करने वाले लोग हो, शायद वो जेनेटिक हमारे बच्चे में आगे डिलीवर हो जाए। इसलिए हम लोग हमेशा अपने पैतृक संतान की चाहत ज्यादा रखते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एडॉप्टेड चाइल्ड है वो ऑब्वियस सी बात है उसके वंशानुक्रम आपके नहीं है, और आपकी आने वाली पूरी की पूरी पीढ़ी फिर वहां से क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा ये ट्रेंड है, हालांकि मैं इस सोच को अच्छा नहीं मानता। हो सकता है जिसको आपने अडॉप्ट किया है वो ज्यादा ब्रिलियंट और ज्यादा इंटेलिजेंट और ज्यादा रिस्क लेने वाला लड़का हो, तो आपकी आने वाली पीढ़ी में तो नया चेंज आया ना, पॉजिटिव चेंज। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया में यही बात है कि माता पिता को ना हो, दादा दादी को ना हो, पर आपकी पीढ़ी में किसी को भी रहा होता है तो वो अगली पीढ़ी को मिल जाता है। तो इसलिए इस बीमारी पे ना कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, ये किया जा पा रहा है, लगातार ये बढ़ने लग जा रही है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और छत्तीसगढ़ में कुछ कम्युनिटीज हैं जिनका मुझे नाम नहीं लेना है ना, उनमें सिकल सेल सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, 3-4 कम्युनिटी में काफी लार्ज स्केल में ऐसा माना जाता है कि उनके लगभग 80% लोग उस चीज से ग्रसित हैं। ठीक है, सब लोग का टेट निकल गया, दकादक खून आ रहा है, पर मुझे अभी पढ़ा लेने दो। तो थैलीसीमिया में कल रात को नहीं ओपन हुआ था ना रिजल्ट? अभी भी तो बेचारे एक लड़का बता रहा था अभी तक नहीं खुला, 12 बजे। क्या चलाते हैं इन लोग, समझ ही नहीं आता है।
पक्का इन लोग के पास स्टाफ नहीं है चीजों को मेंटेन करने के लिए, ना पुलिस विभाग में ना शिक्षा विभाग में। थैलेसीमिया है और सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो क्रोमोसोमल डिफेक्ट में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं सर? तो डाउन सिंड्रोम, जिसकी खोज किसने की थी? लैंगडन डाउन ने की थी। सिंड्रोम आप लोगों ने ऊपरी तौर पे पांच सिंड्रोम पढ़े थे हम लोग, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सब याद आ रहा है ना? ठीक है, क्रोमोसोम में डिफेक्ट आता है उसमें, मतलब 46 की जगह या तो 45 हो जाएंगे या तो 47 हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा पीढ़ी सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम है, इसलिए वर्ल्ड लेवल पे अभी 3-4 दिन पहले डाउन सिंड्रोम डे मनाया गया था। टर्नर सिंड्रोम, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, टोटल हमने 5 टाइप के सिंड्रोम पहले से पढ़ रखे हैं। ये क्या है सर? क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, इनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट संभव नहीं है। आज तक मेडिकल साइंस इतनी ज्यादा अपडेट नहीं हो पाई है कि आपके जेनेटिकल लेवल पे जाके वो चीजों को अलाउ करा पाए। तो सिंड्रोम्स अगर डिफेक्ट में हैं तो उनका कोई ट्रीटमेंट संभव नहीं है, ठीक है। उससे ग्रसित बच्चा अपनी उम्र पूरी करके इस दुनिया से चला जाएगा। डाउन सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भैया किसने दिया? लैंगडन डाउन ने दिया था। प्रभावित व्यक्ति में 46 की जगह कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 47। केवल एक ही सिंड्रोम में घटते थे, टर्नर में 46 की जगह 45 होता था, बाकी सब में 46 की जगह 47 होता था। बट हाँ, इसमें जो ट्रिप्सोमी होगी मतलब त्रिगुणता होगी वो कौन से रैंक पे होती है? तो 21वें गुणसूत्र में। किसी में आपका 18वें पे होता है, किसी में आपका 13वें गुणसूत्र में हो जाता है, ठीक है। इसके लक्षण क्या है? तो भैया इसमें आदमी का कद छोटा रह जाएगा, ड्राफ्ट बेबी रहेगा, ठीक है। इसके अलावा सर जो रहेगा बड़ा रहेगा और जीभ में खांचे बने रहेंगे, मुंह हमेशा खुला रहेगा, और बच्चा जो रहता है थोड़ा मंगोलियन जैसा दिखता है, और मैक्स टू मैक्स 20 साल, 16 साल 20 साल ही जी पाता है। और आपके आस पड़ोस में आपने देखा होगा कि इस प्रकार के बालक आपको दिख जाते हैं जिनका चेहरा एकदम सेम जैसा दिखता है, ठीक है, एकदम मतलब एक ही जैसा दिखता है, बकलू टाइप का। मतलब हमारे गांव में हमारे चाचा जी थे, दूसरे पड़ोसी पड़ोसी में, तो चाचा बोलते थे वो बकलू थे, मतलब ये डाउन सिंड्रोम से पीड़ित थे। और जब मैं यहाँ आया तो मोहल्ले में भी वही लड़का लगा, तो मैं जाके उसको प्रणाम कर रहा हूँ, चाचा आप यहाँ कैसे? बहुत छोटा था तब मैं, आई वाज इन क्लास 5, ठीक है। तो फिर तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये हमारे चाचा नहीं है, ठीक है। चलिए, वो एक जैसे ही दिखते हैं, मतलब अरे कंटिन्यू आते रहेगा क्या जी? हेलो हेलो हेलो, हाँ सर। चलिए नेक्स्ट है सर टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? तो सर एक्स क्रोमोसोम का अभाव हो जाएगा, इसका मतलब 46 की जगह 45 होने वाले हैं इस बार। इस बार आपकी 46 की जगह 45 होंगे, और जब 46 की जगह 45 क्रोमोसोम्स होंगे, इसी में बस एक सिंड्रोम ऐसा है जिसे कहना चाहिए कि कम हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, और जिसके कारण आप लोगों का ऐसा रहता है कि संतान उत्पत्ति की गुण नहीं पाए जाएंगे। मतलब कि महिलाओं में अगर इस प्रकार का होता है तो भैया उनमें संतान उत्पत्ति करने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, तो वो बांझ नारी के रूप में जाने जाएंगे, ठीक है। हेलो, हाँ ये मैं थोड़ी देर में लगाऊं क्या? क्लास ले रहा था सर, हाँ लाइव चल रहा है, मेरा सीजी टेट क्लियर हो गया। अरे बाप रे, बहुत से लोग लिखे, मैं तो मैसेज ही नहीं देख रहा था। विकास जी आपको भी, ठीक है, बढ़िया है भाई, मेहनत करते रहो आगे, जब तक मेहनत करो जब तक सीट ना मिल जाए, और सीट मिलने के बाद भी ना मेहनत छोड़ मत देना। वर्ग 3 वाले शिक्षकों ने हमें ये एक संकेत दिया है, सरकारी नौकरी के आने के बाद लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं ना, बहुत हो गया, आप तो सरकारी नौकरी में किसी के पापा नहीं निकाल सकते। बात सच है, पर सरकार की कुछ नीतियों का कब भंडा फूटे कोई नहीं जानता है। वेस्ट बंगाल में 19-20 साल बाद 34,000 टीचरों को नौकरी से निकाल दिया गया,
20 साल से जो सर्विस कर रहे हो, उम्र के किस मोड़ पे आके कोई तो रिटायरमेंट की कैटेगरी में आया होगा जी। अब 40 में नौकरी लिया होगा तो 60 में रिटायर होने पे आया होगा। 34,000 टीचर्स निकाल दिए गए यूपी में। 68,000 टीचर्स जो 2019 में सेलेक्ट हुए थे उन पे गाज गिर गई, 68,500 शिक्षकों पे। अब उसमें देखना रहेगा कि कितने लोग जेन्युइन थे कितने लोग, क्योंकि वो लोग थोड़ा आरक्षण के नियमों के साथ सरकार की ओर से गलतियां हुई और उसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। 7,000 तो केस हुए थे उस मामले में, 7,000 पिटीशन गई थी कोर्ट में। तो अभी ऑर्डर आ गया कोर्ट का, अब 69,000 लोगों का लगभग करियर अभी दाव पे लगा हुआ है। तो मैं इतना आप लोग को बोलूंगा, खूब मेहनत करके गवर्नमेंट सर्विस में आओ, बट गवर्नमेंट सर्विस में आने के बाद लोग सेचुरेट हो जाते हैं, आगे ग्रो करना बंद कर देते हैं, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स। अगर कोई आज के डेट में मेरे हजारों स्टूडेंट ऐसे हैं ना, हजार तो नहीं पर सैकड़ों ऐसे हैं जो लोग अभी वर्ग 2 में लग गए, वर्ग 1 के तो पद नहीं आए और वो सेचुरेट हो गया। अरे 50,000 मिल रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे कुछ करने के लिए बढ़ नहीं रहे वो लोग। एक दो लोग को तो मैं डांट भी दिया हूँ कि यार कैसे आप लोग यहाँ पे मत सेचुरेट हो, आप लोग नेट निकाले हो, GRF हो, आप और आगे अच्छा करो। तो ऐसे में क्या हो जा रहा है ना कि वो लोग सेचुरेट हो जा रहे हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं, फिर अब ठीक है, जिंदगी सुकून में है, पर नहीं पता कि भविष्य में क्या लिखा हुआ है। कोई नौकरी सेफ नहीं है। आपके पास जब तक उम्र है आप प्रयास कीजिए और बड़ा करने के लिए। हाँ, उसके बाद नौकरी में आने के बाद आपके साथ कभी कुछ बुरा तो नहीं होगा, ये तो तय है। पीछे वो खड़ा है, नौकरी आपका दीवार बन के पीछे नहीं हटने देगा, आगे मगर आपको बढ़ना आपका काम रहेगा, कुछ और बड़ा करना, UNO से जुड़ जाना, है ना, शिक्षक रहोगे और क्या। चलिए, द्वितीय लैंगिक लक्षणों का क्या रहता है, इसमें अभाव रहता है। नहीं, आर्मी वालों से सीखना चाहिए, आर्मी में कोई आता है तो सेचुरेट हो जाता है क्या, वो लगातार जिंदगी भर मेहनत करता है सर्विस तक, क्योंकि वो लोग कंटिन्यू अपने डिजिग्नेशन में आगे बढ़ रहे हैं, मेजर बनेंगे, कर्नल बनेंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल बनेंगे, कर्नल बनेंगे और ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो वो लोग ग्रोविंग है, दैट्स वाई वो लोग देश चला रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम के अंदर आते हैं जी। तो प्रभावित पुरुष में एक्स क्रोमोजोम के अतिरिक्त प्रतिलिपियां क्या है, XXY, एक एक्स्ट्रा आ जाता है, ट्रिपसोमी हो जाती है। किसमें, क्लाइंट फिल्टर में, मतलब इसमें भी कितने आ गए हैं, 47 क्रोमोसोम्स आ गए। और इसमें मादा लक्षण युक्त पुरुष मतलब ट्रांसजेंडर्स, जिसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर एक्चुअल में किससे आ रहे हैं, क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम से, ठीक है। बट इन पुरुषों में भी संतान उत्पत्ति की क्षमता रहेगी क्या, नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए, फिर हीमोफिलिया। हीमोफिलिया क्या है, अच्छा आपने नोटिस किया होगा कभी भी किसी के यहाँ भी बालक या बालिका का जन्म होता है तो ट्रांसजेंडर पहुंच जाते हैं, साधारण रूप से आप देखेंगे वो लोग पहुंच जाते हैं। उन्हें कैसे पता चलता है, ये कल अब इस चीज पे चर्चा चल रही थी कि उन्हें कैसे पता चल जाता है कि यार इसके यहाँ बालक या बालिकाएं होती है। तो एक्चुअल में उनका वो लोग ना अच्छे काम करते हैं, ठीक है, वो कम्युनिटी में ऐसा नहीं रहा कि कभी कुछ अपराध का दोष लगा हो, ठीक है, भगवान ने उनके साथ अपराध किया, दैट्स ऑल, ठीक है। पर अब तो शासन की ओर से बहुत से उन लोग को अधिकार दिए भी गए हैं। उन्हें इसलिए पता चल जाता है ना क्योंकि उनकी उनका मेन थीम ही यही है कि जो भी बालक या बालिका इस धरती पे आ रहा है तो पहला उनको पहुंचना जरूरी है। कारण ये है क्योंकि अगर स्वस्थ बालक या बालिका जन्म लिया तो ठीक है, बट अगर कई बार ऐसा होता है कि भैया अब ये तो सिंड्रोम है, क्लाइन फिल्टर क्या है, एक सिंड्रोम है, तो अगर इस तरीके से द्विलिंगी बालक या बालिका का जन्म होता है तो साधारण तौर पे परिवार उसको अपनाता नहीं है, रूढ़िवादी सोच, ठीक है, तो हत्या कर दी जाती है। तो इसलिए वो कम्युनिटी खड़ी है, वो तुरंत आपके घर पहुंचेगी, अगर स्वस्थ बालक बालिका पैदा हुआ है तो आशीर्वाद देंगे, और अगर वो अस्वस्थ है तो वो लोग मांग के लेके चले जाते हैं। मतलब वो एक नई संतान के इस दुनिया में रहने का अस्तित्व बनाने में बहुत जरूरी है, ठीक है, तो काम उनके अच्छे हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि सब सिंड्रोम है ना, मतलब इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। विस्तृत वर्णन किसने किया था भैया, हीमोफीलिया का, हेल्डन ने किया था। अच्छा, जब ट्रांसजेंडर की जब डेथ होती है ना, वो राज रहती है, कभी कोई उनका अंतिम संस्कार नहीं देख सकता। उनकी कम्युनिटी की सबसे यूनिक बात है कि उनका अंतिम संस्कार आप देखोगे ही, ठीक है,
और वो लोग बहुत भव्यता से अपना अंतिम संस्कार करते हैं, क्योंकि दुनिया में तो दुख ही मिला है उनको, ठीक है। लिंग संलग्न रोग रहेगा, रक्त श्रावण से संबंधी मतलब ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड डिसीज रहेंगे इसमें, रुधिर का थक्का बनने से संबंध एकल प्रोटीन का अभाव, वही है देखो ब्लड का थक्का बनता है फाइब्रोनेजन, उसके कारण नहीं, उसके कारण नहीं बनता, वो तो सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो रक्त का थक्का बनने से संबंधित एकल प्रोटीन का क्या रहेगा इसमें, अभाव। छोटी सी चोट से भी रक्त का श्रवण बंद नहीं होगा, जैसा एड्स की बीमारी में होता है, छोटा सा भी अगर आपको कुछ हो गया तो फिर इम्यूनिटी सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, वो बढ़ते जाता है। और जो भी वाहक नारी है मतलब से पुत्रों में क्या होता है, ये ट्रांसमिट होती है, मतलब माता के अंदर अगर हीमोफीलिया की बीमारी है तो भैया बालक भी जब जन्म लेगा तो उसमें भी ये बीमारी पाई जाएगी, मतलब जेनेटिकल डिसीज में आता है। किस डिसीज में आता है, जेनेटिकल। और इसके सबसे अच्छे उदाहरण में अगर आप देखेंगे तो महारानी विक्टोरिया और उनके सारे वंशज, क्योंकि ये जेनेटिकल डिसीज है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होनी है, तो भैया महारानी विक्टोरिया के जितने वंशज हैं वो हीमोफीलिया से क्या है, ग्रसित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसलिए आप अगर देखेंगे ना तो एलिजाबेथ की फैमिली हो या विक्टोरिया की फैमिली हो, नई पीढ़ियों ने जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग ब्रीड, सबसे ज्यादा जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग ब्रीड कौन है भैया, अफ्रीकन्स, तो एक दो पीढ़ियों ने अफ्रीकन से शादी की, ठीक है, ताकि वो जो उनको श्राप चला आ रहा है वो टूटे। और ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिशर्स अगर अफ्रीकन से शादी करे तो क्या होगा, आप भी जान रहे हैं, कुछ भी होता है तो भी तो एक भानु प्रताप सिंह तो रहता ही है ना, तो उनको निकाला हो गया पर ठीक है वो लोग। चलिए नेक्स्ट, वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस, थोड़ा दिमाग अपना खोल के जिंदगी जिया करो, उससे पता चलता है ना देश विदेश में क्या होता है, अपने को उस चीज से अवेयरनेस मिलती है। तो सर्वप्रथम इसका वर्णन किसने किया था, हॉर्नर ने किया था, किसने किया था, हॉर्नर ने। प्रोटीन संबंधी दोष को हम लोग किसकी ओर से, इसको डाल्टोनिज्म बोलते हैं। लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है, मतलब कि ये भी जेनेटिकल रहेगा। और जो कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता, इसलिए रेलवे का जब भी टेस्ट होता है मेडिकल, आप एग्जाम निकालोगे तो आपका मेडिकल टेस्ट होता है, रेलवे के मेडिकल टेस्ट में घूस नहीं चलता, ठीक है, एकदम नहीं चलता, वो बहुत स्ट्रिक्टली मेडिकल टेस्ट लेते हैं। और आपकी आंखों में अगर थोड़ी सी भी बीमारी है, आपकी आंखों का अगर ऑपरेशन हुआ है या आंखों पे चश्मे भी लगे हैं, तो रेलवे की नौकरी, अच्छे पोस्ट वाली जो नौकरी है वो नहीं मिलती है, क्लियर है, बोलो नहीं, छाट ही देंगे अगर आंखों में आपके डिफेक्ट है तो, क्योंकि भैया अगर आप लोग कलर ब्लाइंडनेस वाले हो, यही दो तो जरूरी कलर है, लाल रंग आपको दिखा नहीं, पीछे 1,000 सवारी के साथ ट्रेन आगे बढ़ा दिए और बाद में पता चला अच्छा लाल रंग था, तब तो बहुत देर हो जाएगी, अपने तो गए ही गए, साथ 1,000 लोगों को साथ ले गए, सनम वाला हाल हो जाएगा। तो इसीलिए कलर ब्लाइंडनेस रिस्ट्रिक्टेड रहता है वहां पर, अगर ऐसा छोटा सा भी उनको डिफेक्ट दिखेगा इमिडिएटली आपको हटा दिया जाएगा। इनफैक्ट सर्विस करने के दौरान भी टाइम टू टाइम मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उन लोग का, या चेकिंग होते रहती है, बाद में भी अगर इस टाइप का डिफेक्ट आता है, आपने गलती से ले लिया नौकरी और उनको पता चल जाएगा, तो भी आपकी सर्विस को उन लोग होल्ड कर देंगे, ठीक है। देखो कलर ब्लाइंडनेस में 8% पुरुषों में कलर ब्लाइंडनेस है, जो कि बहुत बड़ा डाटा है, मतलब हम लोग 100 करोड़ है तो 8 करोड़ लोगों में है ये, ठीक है। और महिलाओं में देख लो बड़ी सुरक्षित, 0.04% महिलाएं बड़ी हमेशा ना सुकून और सुरक्षित है। हार्ट अटैक भी किसको आएगा, मर्दों को आएगा, कभी सुने हो कि किसी महिला हार्ट अटैक से चली गई, नहीं, पर कोई पुरुष हार्ट अटैक से चला गया, पड़ोसी गया होगा, हर घर के दूसरे पड़ोसी हार्ट अटैक से जा रहा होगा, तो महिलाओं का जो शारीरिक संरचना जो बनी हुई है ना, बड़ी बैलेंस बनी हुई है अपने आप में, वो क्या है, एक एंटीबॉडी है, बहुत से बीमारियों को रेजिस्ट कर जाती हैं। पुरुष बेचारे दुख के मारे हर बीमारी में हम ही जा रहे हैं, ठीक है। अगला, टेंशन एंजाइटी भी ज्यादातर किसको होता है, पुरुष वर्ग को होता है, उनका काम ही है टेंशन लेना, खुद के जीवन में नहीं होगा तो दूसरे से जुड़ जाएंगे और फिर उसका टेंशन लेंगे, मैं बनेगा तेरा पापा। चलिए आइए, माँ विषम युग्मी का स्वयं
इसमें ऐसा है कि अगर मदर जो है अगर वो कलर ब्लाइंडनेस की संतान नहीं है, सॉरी ग्रसित नहीं है, तो जरूरी है नहीं है कि बच्चे में नहीं आएगा, फादर से आ जाएगा, ठीक है, या आने वाली किसी भी पीढ़ी के क्रोमोसोम जो ट्रांसमिट हो रहा है उससे आ जाएगा। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, और आज का क्लास यहीं पर हम लोग थोड़ा होल्ड करेंगे। भैया वंशानुक्रम के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो टोटल 5 सिद्धांत आपको याद रखने हैं, और इनके प्रवर्तक एकदम दिमाग में रहने चाहिए, क्योंकि कई बार ये टफ क्वेश्चन पूछेगा ना तो पूछ देगा। तो भैया कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत है? तो पहला आप लोग देख रहे सर बीज कोष का सिद्धांत, नाम में ही बीज है इसलिए नाम भी याद रखेंगे, बीजमैन। बीज कोष का सिद्धांत किसने दिया? बीजमैन। दूसरा है सर बायोमेट्रिक का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन रहेंगे? गॉल्टन रहेंगे। फिर तीसरा हमारा आता है मेंडल का वंशानुक्रम सिद्धांत, जो कि सबसे फेमस सिद्धांत है वंशानुक्रम में। उसके बाद आता है सर डार्विन का सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन। और फिर लेमार्क का उपार्जित लक्षणों का वंशानुगति का सिद्धांत, या इसी को आप लोग थ्योरी ऑफ म्यूटेशन बोलते हैं, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। जैसे जापान उपान वाले हैं, तो जापान में आपको पता है कि ये एटॉमिक वेपन्स का हमला हुआ, उसके बाद से जितने भी हिरोशिमा नागासाकी क्षेत्र में बच्चे जो जन्म लेते हैं वो लोग थोड़े से शारीरिक रूप से पूर्ण नहीं जन्म लेते हैं, विकलांग जन्म लेते हैं, या तो आप लोग का सर एकदम बड़ा रहेगा, या मानसिक रूप से अवरुद्ध बालक जन्म लेंगे। क्यों? क्योंकि उस रेडिएशन का आज भी वहां पर असर पड़ रहा है, ठीक है, लगभग 100 साल से ज्यादा होने जा रहा है, 1945, 80 साल हो चुका, पर आज भी वो चीजों से वहां पर ग्रसित बालक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन, मतलब आपके डीएनए में या आपके क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट आ जाना, और अगली संतति फिर उस डिफेक्ट के साथ जन्म लेगी, उसी को बोलेंगे थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। किसने दिया? लैमार्क ने दिया। तो चलिए 5 सिद्धांत कौन से थे आप बताएंगे? हाँ बिजमैन का सिद्धांत, बीज कोष का, हाँ, और आपको देखता हूं ना मुझे देवी याद आ जाती है, वैसे ही देवी की तरह मूर्ति, एक्टिव रहा कीजिए, ठीक है। और कौन सा सिद्धांत? तीन ठोक बताएगी ना तो डेयरी मिल्क मिलेगा। हो जाएगा मुझे पता है, आता है आपको। और कौन सा सिद्धांत है जी? एक्टिव रहा करिए, ठीक है, मैं पूछूंगा आपसे बार बार। चलो हाँ जी, कौन कौन सा सिद्धांत है? बिजमैन का सिद्धांत और बिस्कोस का सिद्धांत। दूसरा बायोमेट्रिक सिद्धांत किसने दिया? गॉल्टन ने। फिर मेंडल का अनुवांशिकता का सिद्धांत, फिर डार्विन का सिद्धांत, और पांचवें थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसने दिया? लैमार्क ने दिया। तो ये टोटल हमारे 5 सिद्धांत थे, होप सो सबको समझ में आ गया होंगे, क्लियर है, ठीक है सर। प्लीज शेयर पीजीटी वर्ग 2 सिलेबस, मतलब पीजीटी का अलग और वर्ग 2 का अलग भेजना है ना, मैं ग्रुप में डलवा दूंगा। और पीजीटी में कौन सा सब्जेक्ट जी?